फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इंग्लिश वर्ड्स के बारे में, कुछ इंग्लिश वर्ड। तो उससे पहले यदि आपने वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए आप वीडियो में आगे चलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ नया जानते हैं। तो आपके सामने एक सेंटेंस है, बाल्टी पानी से भरी हुई है। तो इसको सेंटेंस बनाने के लिए पहले आपको भरी हुई का इंग्लिश पता होना चाहिए। भरी हुई का इंग्लिश क्या होता है? फुल ऑफ होता है। बट आज की वीडियो में हम कुछ एडवांस जानने वाले हैं, फुल ऑफ को फुल ऑफ की जगह पर हम क्या और यूज कर सकते हैं आज की वीडियो हम जानने वाले हैं। क्या आपको पहले से पता है कुछ और नहीं पता है? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना बताने के लिए, चलिए मैं बता देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में भरी हुई का दो न्यू वर्ड हम सीखने वाले हैं, भरी हुई की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहला वर्ड सीखते हैं, टीम विथ। टीम विथ जिसका मतलब होता है भरा हुआ। क्या होता है फ्रेंड्स? भरा हुआ। चलिए इसका सेंटेंस बना के देखते हैं। सेंटेंस है, मैदान बच्चों से भरी हुई है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, द फील टीम्स विथ द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे टीम्स लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि टीम एक है एज ए वर्ब काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे टीम्स हुआ है, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपने सीखा टीम विथ जिसका मतलब होता है भरा हुआ। क्या होता है फ्रेंड? टीम विथ जिसका मतलब होता है भरा हुआ, जो और यहाँ पे टीम क्या है? एज ए वर्ब काम करता है। ओके, वर्ड जानते हैं। तो अगला वर्ड है आपका अलाइव विथ। इसका भी मतलब क्या होता है? भरा हुआ। ठीक है, चलिए इसको भी सेंटेंस बना के देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है, नदी मछलियों से भरी हुई है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, द रिवर इज अलाइव विथ द फिश। मछलियों का प्लूरल क्या होता है? फिश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और जाननी है कि अलाइव विथ का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कोई सजीव चीज़, जब कोई लिविंग थिंग्स यदि कोई चीज़ भरी हुई है, मतलब यदि लिविंग थिंग होगा तो हम अलाइव विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मछलियाँ लिविंग थिंग है इसलिए अलाइव विथ का प्रयोग किए हैं। और अलाइव विथ के पहले हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पे यूज का यूज हुआ है हम करते हैं। ठीक है, और ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि ये पास्ट में हो तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये समझ रहा होगा। तो अगला एग्जाम्पल है, बाल्टी मछलियों से भरी हुई है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, द बकेट इज अलाइव विद द फिश। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये दोनों वर्ड समझ में आया होगा। अलाइव विथ जिसका मतलब भरा हुआ, जो सजीव के लिए यूज होता है, और टीम विथ जिसका मतलब होता है, इसका भी मतलब क्या होता है? भरा हुआ। ये दोनों वर्ड आपको भली भांति समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।